हेलो अस्सलाम वालेकुम पीपल, स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स. फाइनली आई एम विद समवन जिसका हम सबको बहुत अरसे से इंतज़ार था. एंड मेरी विश थी कि मैं ये पॉडकास्ट करूँगा, क्योंकि AS में A लेने के बाद मेरी तो ये विश थी, ऑब्वियसली सबकी होती है, सब टीचर्स की, कि फिर स्टूडेंट A* ही ले पूरे A-levels लॉ में. और इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हर. वी हैव नूर विद अस. और सबसे पहले नूर, कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच. और आपने A* ले लिया लॉ में. या फाइनली, ठीक है. यस. तो अब प्रॉब्लम ये है कि जुबिया के साथ पॉडकास्ट की थी मैंने. हाँ जी. उससे पिछले साल आपके साथ की थी. तो टेक्निकली स्पीकिंग AS के ऊपर दो पॉडकास्ट हो गई हैं, Paper 1 एंड Paper 2 पे. देर इज़ नो वन टू एक्सप्लेन और टू टेल अबाउट Paper 3 and 4. इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, बहुत से टीचर्स और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट लेके, कि आपसे मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि मतलब बड़े सिंपल से आपसे क्वेश्चन करूँगा जिससे गाइडेंस मिलेगी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में शेयर होती हैं और स्टूडेंट्स भी देखते हैं और टीचर्स भी देखते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप चलूँगा एंड आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. पिछली हमारी पॉडकास्ट बहुत लंबी हो गई थी. तो पहला सवाल, A* लेने के लिए आपकी पूरी लॉ की जर्नी फ्रॉम Paper 1 till Paper 4 कितना ये ओवरवेलमिंग है, कितना ये मुश्किल है, कितना सिंपल है, कितना इजी है? ओके, सो आई थिंक जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ने की जर्नी के बारे में बात करते हो तो इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं, दे स्टार्ट A-levels विद दिस सर्टेन थिंग इन माइंड, कि अच्छा हमारे ये सारे पैशन सब्जेक्ट्स हैं, हमने इनको पढ़ने, देन वी हैव दिस सर्टेन करियर जिसके अंदर हमने जाना है. बट दैट वॉज काइंड ऑफ नॉट द केस फॉर मी. एज यू मे नो, आई स्टार्टेड A-levels लॉ विद लाइक आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ बैकलैश फॉर इट, बिकॉज इतना ज़्यादा ये अवेयरनेस नहीं थी कि अच्छा यू नो लॉ इज़ नॉट लाइक अ वेरी लाइक गुड सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स या स्टफ. एक मिनट, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ. अपना जरा बता दें, कॉम्बिनेशन बता दें A-levels का. सो A-levels में अभी मैंने लॉ, ऑब्वियसली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश लैंग्वेज का. तो आपने बायो, केमिस्ट्री, लॉ और इंग्लिश लैंग्वेज किया था, मतलब आप साइंसेस भी पढ़ रहे थे एंड ह्यूमैनिटीज, और ह्यूमैनिटीज भी पढ़ रहे थे. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो सकता है, तो आई थिंक हो सकता है, ये मेरे सामने बैठा हुआ है, हो सकता है. Science, I think O-levels mein it was a very natural choice. I did not want to go into business, aur is waqt koi aur option nahi hota. But when it came to A-levels, I just knew one thing when I started, ke maine science nahi padhni. That was all I knew. I did not know ki maine kya padhna hai ya what career I want to pursue. I just knew ki science nahi padhni. So naturally, as a humanities subject, law was a very good option for me. And maine kafi resist vagairah karke, I did go into it. Us waqt meri koi strategy nahi thi कि अच्छा ये करूँगी, ये पास्ट पेपर्स करूँगी एंड ऑल ऑफ दैट, तो इस तरह से मेरा A* या A-grade आ जाएगा. एट दैट टाइम आई वाज लाइक ओके, आई जस्ट वांट टू स्टडी दिस, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वेंट विद इन AS. तो जो मेरा ड्राइविंग फोर्स था AS के अंदर, दैट वाज जस्ट यू नो मैंने ये प्रूव करना है कि अच्छा लॉ के अंदर ग्रेड आ जाता है, दैट्स इट. आई डिड नॉट हैव एनी क्लियर स्ट्रैटेजी या प्लान. तो फिर थैंकफुली AS के अंदर तो ग्रेड आ गया. उसके बाद इट केम टू A2, इट वॉज लाइक ओके, नाउ दैट यू हैव प्रूवन दिस वन थिंग, अच्छा आ सकता है, you also have to maintain that. और एक certain point आता है जहाँ पे you have to keep that thing, you know, the driving force of passion, या फिर एक आपकी ego आती है कि अच्छा मैंने करना, you have to keep that back and you have to work strategically, right? तो this one thing that I did, now I'm not saying that this is the only way to go, but this is what I counted on for law and all of my subjects. इसके जो मेरे June 2023 में मैंने AS कर पे दिया था, right? तो उसके threshold के हिसाब से I checked के मैं law की बात करूँ, 98 marks पे A था. And that's what I got. So I went with the perspective ki acha, that means I at least have 98 marks, right? Theek hai. Aur overall law ke 300 marks hote hain. So I us baad maine calculate ki average ke kitni grade thresholds hoti hain A* ya A ki A-levels law ke andar. So 2023 ke October November ki, May June ki, 2022 ke, then I calculate the average and I was like acha theek hai, mere itne se itne marks aane chahiye for like a safe A or a safe A*. Obviously everybody wants a safe A*, right? तो उस हिसाब से जब मैं उस वक्त सोच रही थी, आई वाज लाइक अच्छा मेरे Paper 3 और Paper 4 में अगर 60 मार्क्स आ जाते हैं हाइपोथेटिकली 75 में से, तो दैट मींस दैट एन A* इज़ वेरी सेफ. एंड उस पर्सपेक्टिव से भी मैं तैयारी कर रही थी.
तो फिर आप अपनी नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट क्वेश्चन कि अच्छा यू नो आप प्रिपेयर कैसे करते हो, वो भी एक नेचुरल क्वेश्चन होता है. सो दैट जस्ट काइंड ऑफ गेट्स आंसर्ड विद दिस एज वेल कि मैंने मार्किंग स्कीम्स पढ़ी, मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके अंदर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. आपने भी जिक्र किया था, एवरीबडी नोज दैट इट्स ओपन ऑन द इंटरनेट. तो उसमें आप देखते हो कि अच्छा कितने बैंड्स के ऊपर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं. यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन व्यू कि आप कितनी वैल्यूएशन करोगे, कितनी आपके एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको इतने इतने मार्क्स मिलेंगे. सो यू कीप ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन व्यू एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग अ टॉपिक आई वुड लाइक टू गिव दिस वन लाइक टिप टू पीपल जो कि आपने हमें बताया था. हर लॉ की बुक के हर चैप्टर के एंड पे देयर इज अ कमेंट बॉक्स, दैट ऑरेंज कलर का डब्बा, राइट? जी, लाल रंग का डब्बा. दैट थिंग इज सो गुड, इट्स एन एब्सोल्यूट लाइफ सेवर. मुझे एएस में नहीं पता था, आई डिड नॉट नो. मैं चैप्टर पढ़ती थी और मैं चली जाती थी, बट ए टू के आखिरी दिनों में सीआई से पहले मैंने आके वो पढ़ने शुरू किया. आई वाज लाइक या, बिकॉज उसके अंदर हर क्वेश्चन जो हाइपोथेटिकल एक चैप्टर के अंदर सबको पता था क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. तो यू गेट उनके आंसर्स फ्रॉम दैट. बाकी जाहिर सी बात है इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू कंप्लीट ऐसे जो क्या पेपर में लिखना है, लेकिन हाँ ठीक है, एक पाथवे मिल जाता है. ओपिनियन फॉर्म तो हाँ, तो हम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि जो P3 और P4 वाले सेक्शन में जो लाल रंग के डब्बे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि P1 P2 वाले भी अगर उनके भी, हाँ जी, सारे लाल रंग के डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट. आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी नहीं पड़ेगी ओपिनियन सोचने की, आपको ओपिनियन दे देगा और उसको एलैबोरेट करना. सिंपल, हाँ सही बात है. अच्छा वापस आते हैं, थोड़ा सा हम इधर स्टे हो गए थे. बात मैं कह रहा था कि कितना आसान है कितना मुश्किल है. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर. ना बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल है, इट्स समवेयर इन द मिडिल. जस्ट लाइक आपको बहुत एक्सेप्शनल होना पड़ता है. नहीं, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्शनल. लेट्स बी रियल, हम सारे लोग बहुत ऑर्डिनरी हैं. एवरीबडी हु इज गिविंग, लाइक आई एम नॉट कॉलिंग एनीबडी स्किल्स बैड और समथिंग, बट आई एम जस्ट अनदर ऑर्डिनरी पर्सन. और जो इस वीडियो को देख रहा होगा देयर आल्सो एन ऑर्डिनरी पर्सन. और हमें लगता है दैट देयर इज दिस वन थिंग और वन गोल दैट यू वांट टू अचीव, उसके लिए आपको पता नहीं बहुत एक्सेप्शनल होना पड़ता है. अब अगर कोई एएस का या कोई A2 में स्टूडेंट आया होगा, वो देख रहा होगा कि अच्छा मेरा ए स्टार है, दे माइट बी थिंकिंग कि पता नहीं कौन सी हरक्यूलियन चीज़ है या पता नहीं क्या करके इसने क्या होगा. हाफ द टाइम आई डिड नॉट इवन नो व्हाट आई वाज डूइंग, इट वाज सिंपली प्योर फेथ एंड ट्रस्ट, यू नो आई हैव टू डू दिस थिंग. और जैसे ज़ूबी ने बात की थी, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दैट, हां जी, एंड यू हैव टू हैव इंटरेस्ट इन इट. ये सब्जेक्ट मजबूरन नहीं पढ़ा जा सकता, बड़ी सिंपल. वंस अगेन, पैशन और इंटरेस्ट आपको एक सर्टेन लेवल तक ले जा सकता है, उसके आगे यू हैव टू हैव स्ट्रेटजी एज वेल. ठीक है, फाइन. P3 से शुरू करते हैं. P3 इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यस. P4 इज टॉट लॉ. P3 जल्दी खत्म हो जाता है, या यू कैन से दैट P4 थोड़ा टाइम लेता है. तो अभी P3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आते हैं दो तरह के. सेक्शन ए में प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं दो, उनमें से एक करना है, और सेक्शन बी में तीन एसेज हैं, उनमें से दो करने हैं. क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को, पहले प्रॉब्लम करें पहले एसे करें? That depends कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बुरे हो. जिसमें बुरे हो वो पहले कर लो, जिसमें बुरे हो वो पहले कर लेंगे. बिकॉज वेन यूर गुड एट समथिंग आपको बहुत ज़्यादा आता होता है, आप उस पर इतना सारा टाइम गुजार देते हो. अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको नैरो करते हैं. प्रॉब्लम क्वेश्चन ये उस तरह का नहीं है जैसा P2 है. वो डेटा रिस्पॉन्स है, ये प्रॉब्लम है. इसमें आपसे एडवाइस मांगी होती है उन्होंने, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी आपसे एडवाइस मांगी होती है. आप स्टूडेंट्स को बताएं कि हाउ टू राइट इट. क्या मैं पर्सनल प्रोनाउन यूज करके आई गिव एडवाइस करूं, या मैं थर्ड पर्सन में रहूं और जनरल एक ऐसे टाइप चीज लिखूं और उसको रिलेट करूं सिनेरियो के साथ, कैसे लिखूं? एक स्टूडेंट पूछ रहा है आपसे. द लेटर जो कि आपने भी सजेस्ट किया था, ऑब्वियसली अगर वो आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं टेक्निकली इसके अंदर भी, सो इट्स नॉट जस्ट अ पर्सन जो कि आपसे आके कह रहे हैं अच्छा मेरे साथ फ्लां मसला हो गया, मुझे बताया मैं क्या करूँ. एंड यू नॉट गोना टॉक टू देम इन अ कन्वर्सेशनल मैनर. यू हैव टू रिमेंबर कि जो आप एक सिनेरियो क्वेश्चन है, ये भी एक एग्जाम का आंसर है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहे हैं. अब जब मैंने अपने P3 के अंदर क्वेश्चन किया था वो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था, ठीक है. तो उसके अंदर सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि फॉर एग्जांपल हम एक माइनर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन सा फैक्टर है जिससे आपको पता लगे कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है. पर आपको उस फैक्टर को डिफाइन करना है कि वो क्या चीज़ है. एंड देन यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि इस प्रॉब्लम क्वेश्चन या सिनेरियो के अंदर ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि अच्छा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको समझ आ गया कि वो चीज़ है क्या. एंड ऑफकोर्स अगर आपको क्वेश्चन का पता नहीं है या आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप उसका आंसर भी नहीं दे सकते, राइट? एंड दिस वन थिंग आई हैव टू कीप इन माइंड इज के आपने जब आंसर लिखना है
इट्स लाइक यू आर टेलिंग दिस टू अ लेमैन. आप एक एग्जामिनर को नहीं बता रहे जिसको लॉ की नॉलेज, आप एक ऐसे मतलब बता रहे जिसको कुछ भी नहीं पता. सो यू शुड टेल देम एवरीथिंग. अब मैं ये नहीं कह रही सब कुछ ही बता दो, बट एटलीस्ट इनफ कि उस बंदे को उस कॉन्सेप्ट की बेस पता लग जाए, उसकी डेफिनेशन पता लग जाए. देन यू नीड टू गिव केस लॉज एज वेल, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. हर क्वेश्चन के अंदर केस लॉज होने होते हैं. एंड उसके बाद आपको वो सिचुएशन डिस्क्राइब करनी होती है. ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन का लिखा आप उसको दोबारा छाप दो, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क. ऑब्वियसली अगर आप करना चाहते हो कर लो, बट आई वुड एडवाइस अगेंस्ट दैट. एंड देन वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू फॉर्मुलेट योर ओन ओपिनियन कि अच्छा ठीक है. अब मार्किंग स्कीम के अंदर भी एक चीज़ लिखी होती है और आप भी बताते हैं कि कोई भी आंसर गलत नहीं होता, यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई. ठीक है. अब नाउ आई फॉरगॉट अ केस पेपर में हुआ था, लेकिन आई रिमेंबर कि देर वॉज दिस क्वेश्चन जहाँ पे माई ओपिनियन वॉज अ सर्टन थिंग, लेकिन जो केस लॉस मुझे उस वक्त याद थे ना वो किसी और ओपिनियन की तरफ जा रहे थे. एंड आई वाज लाइक नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, या तो जो मेरा ओपिनियन है इस केस को देख के अच्छा ये होना चाहिए मैं उसको लिख दूं और कोई केस ना लिखूं, या तो जो मेरा ओपिनियन नहीं है मैं उसको बदल लूं और मेरे पास जिसका सपोर्टिंग एविडेंस है मैं वो दे दूं. नाउ ऑब्वियसली दिस इज रियल लाइफ एंड यू हैव टू बी रियलिस्टिक. तो आपको अपना ओपिनियन थोड़ा बैक हैंड पर रखना पड़ता है और जिस चीज़ से आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने तो जवाब दे दिया था और आप कह रहे थे कोई आंसर गलत नहीं होता लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले मैं फेल हो गया. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. अगर उन्हें एक मार्किंग स्कीम और एक की सेट किए, यू हैव टू फॉलो दैट इज वेल. यू नीड टू अबाइड बाई सम थिंग्स टू गेट अ मार्क, राइट? ठीक है. तो आप पूरे सिचुएशन डिस्क्राइब करोगे, फिर आप बताओगे आपने उसके अंदर से क्या इन्फर किया. एंड एज यू सेड, आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के अंदर नहीं करोगे. आप ये बताओगे फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई बंदा कि नो जेम्स के साथ ब्लाबला हुआ, नाउ ही नीड्स टू रियलाइज कि उसने ये चीज़ कर दी है जिसका ये इम्पैक्ट होगा, और इसका इम्पैक्ट जो उसने चीज़ की है इसके साथ रेलिवेंट आपको फ्लां केस के अंदर चीज़ मिलती है, उसका इम्पैक्ट आपको इस केस के अंदर मिलता है. तो इस केस की जजमेंट के अंदर इसके उस जेम्स के साथ जो सिनेरियो हुआ उसके जैसे साथ रिलेटेड कोई सिस्टम हो रहा था, तब हम वही चीज़ इसके अंदर लिख देंगे. जस्ट लाइक दैट. यू हैव टू गिव सपोर्टिंग एविडेंस एंड यू हैव टू आई थिंक आंसर के एंड पे ना आपका कंक्लूजन ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. यू कांट जस्ट से अच्छा अब वो ये करेगा इस केस के साथ फिर उसको ये वो रिहा हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा, व्हाटएवर. यू कांट एंड लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी सॉलिड कंक्लूजन एंड अ गुड एंडिंग. और मेरे ख्याल इस सारा कुछ के अंदर अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो इस सारी चीज़ों के अंदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है. आपको जितनी मगजमारी नहीं करनी पड़ती. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उन तीन ये इन तीन चीज़ों को ना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग उसको ओवरडू कर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि अच्छा मैं यार ये वो ये नहीं देखते कि यार अगर आप जो पूछा हुआ है ऑटोमेटिकली अगर आप वो बता देते हैं ना तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा होता है कि आप उस चीज़ों के बगैर आंसर ही पूरा नहीं होता, तो उसको इतना ओवर थिंक करने के लिए कुछ टीचर्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाते हैं स्टूडेंट को कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस एप्लीकेशन इवैल्यूएशन. स्टूडेंट कहता है कि यार ये कहाँ फंस गया हूँ मैं, ये क्या करूँ. अगर स्टूडेंट को आप सिर्फ जवाब देना बता दो ना, छोड़ दो इवैल्यूएशन वगैरह, उसको कुछ ना बताओ, उसको वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऑटोमेटिकली उसके आंसर से वो निकलने लग जाते हैं. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको आपका टीचर मैं ही था, और मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, टीचर भी मैं ही था, तो मैंने आपको कभी नहीं कहा कि प्रेस्ड ऑन दिस थिंग कि क्लास में प्रोजेक्टर और ये करना कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कहाँ है अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको सिर्फ आंसर लिखना सिखाया. मुझे पता था ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वगैरह होते हैं, बट मैं चुप करके आपके आंसर से खुद ही निकाल लेता था और आपको कहता था ठीक है आंसर. अगर मैं आपको ये कहना शुरू कर देता ना कि इसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, इसमें एनालिसिस एंड एप्लीकेशन कहाँ है, तो शायद आपका ये रिजल्ट आज ना होता, क्योंकि आप दिमाग आपका उधर फंस जाते हैं आप कि मैंने ये भी डालना है, आप इनसिक्योर हो जाता कि शायद पता नहीं वो चीज़ आई थी कि नहीं आई थी. अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हो कि जो सिनेरियो प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको पूरा बताना पड़ेगा, उसके टॉपिक की इंट्रोडक्शन भी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा वो चीज़ होती क्या है, फिर आप उसको उसके साथ रिलेट करेंगे उसमें क्या मसाइल है और मसाइल क्यों है और वो असल में क्या होता है वो बताएंगे, और फिर आप एक अच्छा सा सॉलिड कंक्लूजन भी देंगे जिसके अंदर एडवाइस भी होगी और अच्छी एंडिंग होगी जिससे पता चलेगा कि जी एंड पे ये सिनेरियो और ये मसाइल थे. ठीक हो गया. ऐसे आप ऐसे एक स्टूडेंट को, अगर कोई स्टूडेंट है वो पूछ रहा है कि नूर मैं ऐसे कैसे लिखूं, मुझे नहीं पता कि 25 मार्क्स वाले ऐसे कैसे लिखते हैं, तो नूर क्या कहेगी इसके आंसर में? मैं पहले तो अपने पिछले आंसर वाली बात ही रिपीट करूंगी, दैट एन ऐसे इज नॉट जस्ट कि आपने तीन चार सफ़े लिख दिए और आपने उनको भर दिया एंड ब्लाह ब्लाह, इट्स अ क्लस्टर, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी एंड ऑल ऑफ दैट. एन ऐसे इज नॉट दैट. यू नीड टू रियलाइज के एक ऐसे उसकी भी खूबसूरती होती है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, देर इज़ अ बैकबोन जिसके ऊपर आपने उसको लेके चलना होता है. एंड प्योरली इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपके दिमाग में होने के बेसिस पे या फिर वो चीज़ रट लेने के बेसिस के ऊपर
आप आंसर तो लिख दोगे लेकिन आप ऐसे नहीं लिख पाओगे. एंड अनटिल अनलेस सिंस देयर आस्किंग फॉर एन एसे सिंस दैट्स द होल पॉइंट देन ऑटोमेटिकली फिर आप आंसर भी नहीं दे पाओगे. तो एक फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, उनके अंदर जो भी टॉपिक पूछा होता है, आपसे जो भी सवाल पूछा होता है, वो किसी न किसी यूनिट से बिलोंग करता होगा, उस यूनिट की कोई डेफिनेशन होती होगी, फिर जो सब टॉपिक होगा जिससे क्वेश्चन आया है, या कभी कभी पूरे यूनिट की बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको उन सारे एलिमेंट्स को मद्देनजर रखना है. एंड वंस अगेन यू नीड टू कीप नॉडिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि क्वेश्चन था क्या. अब मिसाल के तौर पे कोई आपको एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए तो उसके 5 एलिमेंट्स हैं. आप टॉपिक डिफाइन कर दो, आप एलिमेंट्स डिफाइन कर दो, आप सब कुछ लिख दो जो आप आते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख रहे कि अच्छा इस एलिमेंट को उन्हें क्वेश्चन पूछा था तो मैं बाकी सारे बता रहा हूँ, बट माय आंसर भी बेस्ड ऑन दिस थिंग और ये चीज़ क्या है. सो यू नीड टू रियलाइज दैट यू आल्सो नीड टू एड्रेस ये माइंड बना के लिखोगे तो खुद ही अच्छा लिखा जाएगा कि मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ, किसी ने पढ़ना भी है, इसकी तरफ किसी ने देखना भी है, तो वो क्या सोचेगा. मतलब खुद देखो, अपने आप को देखो कि अगर मेरे पास ये चीज आए तो क्या ये मुझे अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी. तो ये एग्जामिनर को अच्छी लगेगी. और एग्जामिनर को आप कभी भी लॉ एक्सपर्ट मत समझें, उसको एक लेमैन समझें, उसको सब खुद समझाएं छोटी छोटी बात के भाई ऐसे होता है ऐसे होता है. ठीक हो गया. टॉट पसंद आया था या कॉन्ट्रैक्ट? ओह कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेट अप कॉन्ट्रैक्ट. नथिंग अगेंस्ट टॉट, टॉट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आईड से आउट ऑफ ऑल 4 पेपर्स कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोबब्ली माय फेवरेट. फेवरेट, अच्छा. कॉन्ट्रैक्ट और टॉट पढ़ने में कोई फर्क होगा? Yes, obviously, since they're both very different branches of law, उनको handle करना भी मुश्किल है. And you know, like मुश्किल नहीं है, बहुत different है, yes. And since obviously आपको paper pattern और सब कुछ बदल जाता है, तो एक चीज़ जो consistent रहती है वो ये आपको edge मिल जाता है कि उन दोनों के question की type similar होती हैं. हाँ जी. तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा paper pattern भी similar है. वो भी आपको नया नहीं मिलता. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज वंस अगेन अदर साइड अ वेरी डिफरेंट ब्रांच. उसके लिए आपको एक डिफरेंट माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है. नीड टू थिंक ऑफ दोज रिलेटेड फील्ड्स. और टॉट के लिए आपको एक डिफरेंट माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है. आपको डिफरेंट इंसान बन के सोचना पड़ता है उसके लिए, दोनों पेपर्स के लिए. AS या A2? दोनों में से एक एक पेपर चूज कर सकते हैं? नहीं, A2. क्यों? आई थिंक बिकॉज A2 में आके आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है. बिकॉज वंस अगेन लॉ इज़ अ सब्जेक्ट जो कि आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ते. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू स्टडिंग इट. एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको AS का कौन सा पेपर अच्छा लगता है या नहीं लगता, यू माइट फाइंड इट ईजी एज वेल. कुछ लोग होंगे जो डिफर करेंगे. मुझे AS में क्रिमिनल लॉ बहुत पसंद था. अगर मुझसे कोई पूछे तो इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर क्रिमिनल लॉ, लेकिन स्ट्रक्चर या लाइक उस चीज़ के प्रॉपर होने के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लॉ. ठीक है. टफ AS है या A2 है? तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको A2 में आके लॉ बहुत आसान लगने लग जाता है और AS में वो कहते हैं कि नहीं यार AS में मुश्किल था, A2 में ईजी है. शायद इसलिए क्योंकि AS का जो पेपर 1 है वो हर एवरी चैप्टर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक. पेपर 1 इज द वर्स्ट. ठीक है. और P3 सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो फ्लो में निकलता है. टॉट भी फ्लो में निकलता है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा. टॉट पढ़ रहे हैं वो टॉट ही है, वो तरह तरह के टॉट्स हैं लेकिन वो टॉट ही है. कॉन्ट्रैक्ट भी उसी के एसेंशियल्स है, बट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही. बट यू थिंक के AS A2 इज टफर देन AS? ठीक हो गया. मतलब कितना टफ, ये सुन के कहीं स्टूडेंट डर नहीं? इतना टफ भी नहीं है. अगर लाइक आई विल से के AS के अंदर आपको एक मुश्किल चीज एनकाउंटर करनी पड़ेगी व्हिच इज ELS, और क्रिमिनल लॉ इज जस्ट इट्स बस कहानी करनी पड़ती है आपको. इट्स नॉट दैट टफ. बिल्कुल. लेकिन A2 के अंदर दोनों का बहुत इंट्रिकेट बैलेंस होता है. कॉन्ट्रैक्ट की आपको डेलिकेसी समझनी पड़ती है, टॉट की भी समझनी पड़ती है. टॉट के अंदर सर खपाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट टू सर्टन एक्सटेंट यू नीड टू हैव सम ब्रेन सेल्स उसको समझने के लिए और टैकल करने के लिए. अच्छा. तो दैट्स व्हाई आई थिंक A2 इज अ बेटर. टॉट का जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको हम आपकी इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से? कीपिंग इन माइंड के टॉट में अक्सर मल्टीपल चैप्टर से भी चीज़ें डली होती हैं, सिनेरियो प्रॉब्लम जी, तो ये फर्क तो है. तो उसको फिर आप क्या मतलब आप बंदा हर चैप्टर का सारा सारा कुछ लिखे? नहीं, सारा कुछ ना लिखे. यू नीड टू रिमेंबर कि रेलेवेंस इज आल्सो की. जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा आप जाहिर सी बात है उसी चीज का आंसर करो. अब क्वेश्चन में सपोज लड़ाई हो रही है, पहले वो स्टम्बल हो गया किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, नेग्लिजेंस आ गई, फिर वहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटी भी हो गई, फिर वहाँ पे बैटरी भी हो गई, असॉल्ट भी हो गया. अब ये सारे के सारे
डिफरेंट चैप्टर्स हैं, राइट? तो क्या मैं सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दूँ बैठ के पहले? आप सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन ही दोगे? आई थिंक इन अ सिचुएशन लाइक दिस जहाँ पे बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव देते हैं आपको, आई थिंक व्हाट द कोर एलिमेंट ऑफ टॉट इटसेल्फ इज, आपको उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए. एंड देन विद ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स जो आ जाते हैं, आप ऑब्वियसली जैसे जैसे आप बताते जाओगे, जैसे आप सिनेरियो अनफोल्ड करते हो, आप उसे अनपैक करते हो, राइट? अच्छा इस बंदे ने ये काम किया, उससे नेग्लिजेंस हो गई, फिर उस फलां बंदे ने ये किया, उससे वाइकेरियस लायबिलिटी होगी. तो जैसे जैसे आप आंसर में अनपैक कर रहे हो ना, कि अच्छा नाउ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. जो मैंने पर्सनली किया था इसके मैं, इफ देर आर मल्टीपल पीपल तो आई टेक वन पर्सन एट अ टाइम एंड देन डिस्क्राइब कि अच्छा इस बंदे के एक्शन की वजह से ये हो गया और ये हो गया. तो उसके लिए जो आप बताओगे कि अच्छा इस इंसान के साथ ये हो रहा है तो उस नेग्लिजेंस होगी, फिर आप नेग्लिजेंस भी डिफाइन कर लेते हो, फिर आप नेग्लिजेंस के लॉज भी साथ लिख लेते हो, आप उसका आंसर भी दे देते हो. इस टाइम नूर आपके जो P1, P2 और P3, P4 अभी मैंने स्कैन नहीं किया, पड़ा हुआ मेरे पास ही आपका P4 भी. आपके जो तीन पेपर्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं एज सैम्पल पेपर्स, और शायद इंडिया भी पहुँच चुके हैं, बांग्लादेश भी जा चुके हैं, UAE भी जा चुके हैं. जी ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है. तो लिंक मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जिनको चाहिए होते हैं नोट्स, उस लिंक के अंदर पढ़े हुए आपके पेपर्स सैम्पल सॉल्व पेपर के नाम से, ठीक है? इवन दे हैव योर नेम मेंशन ऑन इट. तो इस बात पे तो सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ रिसोर्स टू शेयर ऑल अराउंड. और बहुत फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को आपके आंसर्स पढ़ के. वो जो एक क्वेश्चन मार्क होता है ना कि क्वेश्चन करना कैसे है, वो आपका आंसर पढ़ के वो, और लकीली आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, वो समझ भी आ जाती है. शुक्र है इस बात का भी. तो टॉट ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट का एस्से डिस्कस कर लिया. टॉट का एस्से भी समवट द सेम थिंग, उसी तरह खूबसूरत सा लिखे बना के, ठीक है? और एक बात जो है बड़ी ऑब्वियस, और मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रही होगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ. उसने ज़िद करके टॉट का यूनिट 1 छोड़ दिया था. आई वॉज टीचिंग हर, वो आपके बैच की ही है, और जब आपने AS किया था उसने भी तभी AS दिया था, एंड शी ऑल्सो हैड एन A था उसका भी आपके साथ. And I was expecting an A star from her as well. She's a very good student. I was privately coaching her. उसने जिद करके negligence का chapter unit पूरा छोड़ दिया, पहला unit टॉट का. बीच में वो उमरा वगैरह करने चली गई, तो it was a considerable gap. वापस आई तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम, या हम तब negligence पढ़ सकते थे या बाकी का टॉट. Of course. ठीक है, तो मजबूरन बाकी का टॉट पढ़ लिया. एंड देर तक उसको मैं मिनटें तरले करता रहा, किसी तरह पढ़ लो, खुद रीडिंग कर लो, उसको मत छोड़ के जाओ. कहती है तीन क्वेश्चन आए, एक यूनिट छोड़ ही सकते हैं ना, कोई बात नहीं. पेपर हुआ और नेग्लिजेंस से तीन क्वेश्चन आ गए आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस जो टोटल आपने करने होते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली शी गॉट टू अ सी और या सी. स्टूडेंट वो अच्छी थी तो वो टैकल कर गई किसी ना किसी तरह, शी मैनेज टू गेट अ सी. वो क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा हुआ ही होगा, बट उसने ए स्टार गवा दिया अपना. ये यूनिट छोड़ने वाली जो एक आदत बनी हुई है, जो हमने इसको अपना एक रिलीफ फैक्टर बनाया हुआ है, एस्केप बनाया हुआ छोटा सा, इसके बारे में डू यू हैव समथिंग टू से टू द स्टूडेंट्स? एंड एक्चुअली यस, एंड आई एम सॉरी इफ दिस साउंड्स हार्श और समथिंग, लेकिन एवर सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव नेवर लेफ्ट इवन अ सिंगुलर पेज ऑफ एनीथिंग जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ. बिकॉज आई हर्ड योर पॉडकास्ट विद ज़ूबी, उसने भी ये बात की थी कि AS के अंदर लाइक इट्स हाफ अ बुक और A2 इट्स अदर हाफ ऑफ द बुक. दैट्स नॉट इवन वन होल बुक. एग्जैक्टली. बट इवन इफ वी हाइपोथेटिकली कंसिडर कि एक पूरी किताब है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, आपने 2 साल पढ़ा, आपके पेरेंट्स ने पता नहीं कितनी ज़्यादा फीस दी है, विच इज़ अ वेरी कंसिडरेबल फैक्टर फॉर सम स्टूडेंट्स हु नो द स्ट्रगल. तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कल्चर कि अच्छा सर ये छोड़ दें या वो छोड़ दें, ऑल ऑफ दैट. एंड आई ऑल्सो सिंपथाइज वंस अगेन, आई अपोलोजाइज इफ इट साउंड्स हार्श, बट माई सिंपथीज टू एवरी वन जिनका पेपर 2 इस वजह से थोड़ा खराब हुआ. बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग कि अच्छा हमने ये छोड़ दिया. हम ये कह नहीं सकते, यू डिड नॉट फेस दैट व्हाट हैपेंड इन B2. ओके, आपने वो फेस नहीं किया. या बिकॉज़ मैं छोड़ के ना जाती. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फाइन. लेकिन छोड़ के ना जाओ. लेकिन मसला ये हुआ कि उस टाइम जब आपने P1 और P2 दिए थे तब जो हमने बोला वही हुआ.
उस टाइम पे मुझे याद है सर ने ना कहा था कि पहले A2 का पेपर हुआ था सर, सर बहुत खुश स्कूल आए थे जो A2 को मैंने कहा वही हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, और ये और हम लोग बहुत खुश हो गए, अच्छा ठीक है जो सर कह रहे हैं वही होगा। समवट हुआ, पूरा वो नहीं हुआ। आपकी A2 के प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का पेपर वही आया जो सर ने कहा था आएगा, सो दैट वाज अ ह्यूज रिलीफ। लेकिन बैक टू द ओरिजिनल थिंग, चीजें ना छोड़ा करो प्लीज, डोंट डू दैट। आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो बिल्कुल, और जो इस दफा हुआ वो उस दफा भी हो सकता था, हमें पता तो नहीं था, वो तो इत्तेफाक था ना कि हमने आपको बोल दिया कि जी जो यूनिट 2 है थेफ्ट वाला वो रहने दो, उसको याद ना करो, बस एक्टर सीरीज मेंजरिया और सेंटेंसिंग कर लो ऐसे के लिए, वो उसका तो सोर्स आ ही जाएगा। लकीली वही हुआ, लकीली वही हुआ। या बट हियर सिंग लक हमेशा आपकी साइड पे नहीं, साइड पे नहीं होती, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। एग्जैक्टली, दो कंसेक्यूटिव टाइम ऐसा हुआ तो हमने तीसरी दफा फिर वही बात कर दी, लेकिन तीसरी दफा भाई कैम्ब्रिज कहता अच्छा जी इधर आए आपको हम बताते हैं, बट फिर भी लकीली जुबेर जैसे स्टूडेंट्स हैं, येट इवन देन दे गॉट एज, मेरे और मेरे जो साइबस के स्टूडेंट्स हैं दे गॉट ग्रेट ग्रेड्स। वेल यू नोटिस कि उसने क्या कहा था कि मैं पढ़ के गई थी, सर ने कहा पढ़ लो तो मैंने पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने उसे कहा था कि 5 मार्क्स वाला तो आ ही सकता ना, उसके लिए पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है बिल्कुल मत छोड़ो, रीडिंग कर लो उसका। इवन दो कि मैंने, आप अगर देख लें, मैं लाइव जाता हूँ पेपर से एक दिन पहले, लाइव जाता हूँ कि यूट्यूब पर जितने स्टूडेंट्स हैं आई गाइड देम फॉर फ्री, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, मुझसे आए मुझसे सवाल पूछे और मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप मेरा P2 वाला वो लाइव सेशन देखे तो इवन मैंने उसमें भी बोला था कि बिल्कुल ना छोड़ो, कॉन्सेप्ट लेके जाओ, क्योंकि बिल्कुल छोड़ दोगे तो आपसे फिर सिनेरियो भी नहीं होगा, डेटा दिया भी होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन फॉर एग्जाम्पल बड़ी बारीकियाँ हैं उसमें, कब अप्रोप्रिएशन है कब नहीं है, इट्स नॉट जस्ट चोरी, इट्स नॉट जस्ट स्टीलिंग। खैर हम AS पे चले गए, हम बात A2 की कर रहे थे। तो इन अ नटशेल मैं ये कह सकता हूँ कि A स्टार सिर्फ नूर जैसी स्टूडेंट नहीं ले सकते। असल में मेरा कसूर ये है कि मैंने YouTube दर्द लेट शुरू की। आई विश कि मैं मिनाहिल के साथ भी पॉडकास्ट करता, मैं हलीमा के साथ भी करता, मैं शेरोज के साथ भी करता, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो A स्टार्स वाले हैं, अब तो वो कुछ तो शादियां भी हो गई हैं कुछ होगी, तो वो बहुत काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन तब YouTube नहीं थी इतने ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि किसी का माइंडसेट ये बने कि नूर तो एक्सेप्शनल है ना, उसको तो आप उसके बात ही ना करें, आम देखें। अब जुबिया भी तो है ना, अब कितने एक्सेप्शनल, सारे एक्सेप्शनल मेरे पास ही आ गए हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब आई हैव, अगर मैं बीज के साथ भी करना शुरू कर दूँ, क्योंकि देखो इस दफ़ा जो P2 में हुआ है B लेना भी बड़ी बात थी, बड़ी बात थी, क्या होगा B आ जाए तो, अगर मैं उनके साथ भी पॉडकास्ट करनी शुरू कर दूँ तो वो इतने स्टूडेंट हो जाएंगे कि आप, वो सारे के सारे एक्सेप्शनल तो नहीं है ना भाई, दे वर नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है। नूर को भी आप एक्सेप्शनल ना समझें, मैं तो नहीं कहूँगा, आप उसको नॉर्मल स्टूडेंट समझें, बस उसने मेहनत की, उसको फल मिला। जब आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट बना देते ना, इसका मतलब है आप उसकी मेहनत को ऑनर नहीं कर रहे, जो अगर आप उसकी मेहनत को ऑनर करना चाहिए आपको। एक्सेप्शनल कह के आप कहते हैं कि किसकी खैर है, किसने क्या किया, कोई नहीं है तो ऐसे एक्सेप्शनल है, नहीं ऐसे नहीं होता, हर बंदे की मेहनत होती है। तो आई होप कि नूर ने आप सब लोगों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि कैसे उसने ए लिया है और कैसे आंसर्स उसने दिए हैं। नूर के सैम्पल आंसर्स ऑलरेडी मैं इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, उस ड्राइव में पड़े हुए हैं। तो नूर, मेरी रिक्वेस्ट है, इस टाइम बहुत से स्टूडेंट्स हैं और ये पॉडकास्ट चूँकि अक्टूबर नवंबर सेशन से पहले अपलोड हो रही है, अक्टूबर नवंबर 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये देखेंगे, और उनमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो रीटेक वाले हैं, डीमोटिवेटेड हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सैड हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव देम मैसेज जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए कि करने को, अगर करने लगो तो सब कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली द पॉइंट। आई रिमेंबर मुझे भी बात बहुत हार्श लगती थी, व्हेन आई यूज्ड टू हियर इट बिफोर, कि यू नो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज एज यू सेड रीटेक के बच्चे भी होंगे, दिल उनके दिमाग में एक ही चीज़ चली कि हमने मेहनत की थी, यू नो, एंड वी डिड वर्क हार्ड, और उसके बावजूद हमारे साथ यू नो ये ग्रेड हो, ये चीज़ हो गई, या हमारा जो डिज़ायर्ड ग्रेड था वो नहीं आया। बट आई डू हैव टू से वन थिंग, दैट व्हेन यू सेट योर माइंड टू समथिंग एंड व्हेन यू मेक इट योर गोल, तो यू हैव टू रियलाइज दैट योर हार्ड वर्क विल नॉट गो अनरिवॉर्डेड। ऑब्वियसली आपको, आई थिंक दिस इज़ नॉन निगोशिएबल,
एज यू सेड के यू नो हम उस वक्त लकी थे, हमारा पेपर अच्छा आ गया या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं आई या सम सर्टेन स्टूडेंट्स मे बी एक्सेप्शनल, लेकिन हर कोई मेहनत करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी, यू हैव टू हैव अ प्लान. आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ के अंदर नहीं जा सकते और यू आर बाउंड टू मिस इट अप. छोटे छोटे दो क्वेश्चन मेरे जहन में और आ गए ख़त्म करने से पहले. स्टूडेंट्स कहते हैं A2 में केस लॉस बहुत ज़्यादा है, कैसे टैकल करें? जुबिया ने तो कहा था कि आप लिख लें चार दफ़ा कहीं और ये वो फलान, चलो AS में तो पॉसिबल है. आई इन फैक्ट डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर A2 एंड इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग माय रजिस्टर्स राइट नाउ और आप उनकी भी तस्वीरें लेके उसी ड्राइव के अंदर डाल सकते हैं, डाल देंगे. हर यूनिट के बाद आई यूज टू हैव दिस पेज जिसके ऊपर लिखा होता था यूनिट 1 केसेस और नीचे एक सेपरेट इंक के साथ केस का नाम होता था और एक सेपरेट इंक के साथ उसकी हल्की सी डिस्क्रिप्शन होती थी. दैट्स इट. एंड द डिस्क्रिप्शन इज नॉट 6 लाइनें, वो तो फिर ऑब्वियसली चैप्टर के अंदर आपके नोट्स हैं, वही चीज़ बन गई ना. आई हैव 4 to 5 पेजेस ऑफ ऑल द केसेस हर चीज़ के अंदर. फिर वंस अगेन आपने एक दफ़ा उन्हें नोट्स बनाते हुए लिखा, आपने एक दफ़ा उन्हें वो लिस्ट बनाते हुए लिखा, आपने उन्हें बुक पढ़ते हुए पढ़ा. सो बाय सर्टेन टाइम पुश तो एज यू नो लैंडमार्क केस होते हैं डोनी वर्सेस स्टीवनसन की तरह, कॉलर वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल की तरह, दे स्टिक विद यू. लैंडमार्क वर्सेस फ्लेचर, डोनी वर्सेस स्टीवनसन, गॉड आई डोंट लाइक टॉर्ट, लेट्स बी रियल. अच्छा, तो दे स्टिक विद यू एंड देन यू रिमेंबर देम और वो काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई भी होते हैं. बट वंस अगेन आई नो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, केसेस बहुत ओवरवेलमिंग है, आप हर टॉपिक के एक या दो केसेस याद कर लो, दैट्स इनफ. वट यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आर यू गोइंग टू प्ले विद योर वर्ड्स कि जो आपको केस आता है उसके अंदर अप्लाई हो जाए. एज अ सेट एक पॉइंट आया था जब मेरा एक ओपिनियन था, उसके साथ केस नहीं था, बट जिस चीज़ का केस था उसके बारे में मैंने अपना ओपिनियन टर्न अराउंड कर लिया कि अच्छा मैं केस लिखा हुआ. हाँ ठीक है, यू नीड टू डू दैट. ठीक है कि आप बेशक उसको थ्रोन रोड कर लें, लेकिन केस लिखा है. और ये नहीं कि कोई भी रैंडम केस उठा के कहीं भी लिख दिया, यू नीड टू मेक इट रेलेवेंट. आपको अपनी बात इस तरह से समझानी है कि आप क्वेश्चन को ही आंसर भी कर रहे हो और आप केस भी उसी का लिख रहे हो. तो दिस इज द वे यू कैन गेट अलोंग विद केसेस. ठीक है, और ईयर तो नहीं लिखा होगा आपने केसेस? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. हाँ ठीक है, वो कुछ समय कुछ वो एक्सेप्शनल बच्चे लिखते होंगे. हाँ, वो नॉर्मल बच्चे नहीं लिखते. हाँ वो लिखते होंगे एक्सेप्शनल बच्चे, तो इससे भी साबित होता है कि नूर एक्सेप्शनल नहीं है, मेहनती स्टूडेंट है. तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ये साई ऑफ रिलीफ ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट हमारे सामने बैठा हुआ है जिसका A* है लेकिन ईयर्स उसने नहीं लिखे थे. या एब्सोल्युटली. ठीक, एक तो ये केस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर प्रॉब्लम क्वेश्चन वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. और मैं क्या पूछूँ आपसे, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ है जो आपको अक्सर अपनी बात साबित करने के लिए यूज़ करनी पड़ती है और वो है एक ही टॉपिक के दो केसेस. अक्सर टॉपिक्स के मतलब एक में हुआ होता है, एक में नहीं हुआ होता, तो आपको दोनों यूज़ करके समझाना पड़ता है कि ऐसे होगा तो होगा इस केस में हुआ था, ऐसे होगा तो नहीं होगा इस केस में हुआ था. उसको कैसे टैकल करें? जो आपका वो रजिस्टर पे लिखने वाला सिनेरियो है, स्टाइल है, कैन दैट हेल्प इन दैट एज वेल? या आई थिंक वंस अगेन जो होता है कि आपने दो केसेस यूज करने हैं, दिस साउंड्स वेरी हरक्यूलियन कि अच्छा बहुत ही बड़ी डील है, हमें दो केसेस का कंपैरिजन करना है, बट वंस अगेन इट्स नॉट. लाइक जैसे नैश वर्सेस इनमैन और चेपर वर्सेस कूपर ले लें, ऑपोजिट सिनेरियोस, राइट? मैंने बस यही लिखा कि अच्छा इसके अंदर हो गया, इसके अंदर नहीं हो, इसके अंदर. और मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा टेस्ट तो आपको AS में भी नहीं देते थे जब डिस्टिंग्विशिंग में मैरिड वर्सेस मैरिड और बैलफर करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक चीज तो आ ही जाती है वहां. व्हाट यू ऑल यू नीड टू डू इज कि आप केस का नाम लिखो, आप बताओ इसके अंदर ये होगा था, एंड एट द फ्लिप साइड ये केस है इसके अंदर ये नहीं हुआ. हमारे आंसर के रिस्पेक्ट के हिसाब से हमें इस केस को फॉलो करना है और जो हमें सिनेरियो दिया गया है या जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन के दौरान हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके हिसाब से ये केसेस इसके साथ भी फिटिंग है और हमें इसके हिसाब से चलना. दैट्स इट. दिस इज इजीली अ पैराग्राफ इफ यू नो हाउ टू प्ले विद योर वर्ड्स. अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन मैं जनरल ए लेवल्स का पूछ रहा हूँ. सिंस आप ए लेवल्स कर चुके हो लॉ विद द वेरी गुड हाईएस्ट ग्रेड पॉसिबल, आप अगर अलग अलग बताना चाहो अलग अलग बता सकते हो कि जी फर्क है दोनों में, यू कैन डू दैट, तो बता देना कि एक केस लिखने के बाद कितना उसके बारे में बताना है कि उसमें क्या हुआ था. इन माय पर्सनल ओपिनियन मैंने खुद भी लोगों के आंसर्स देखे हैं वेयर दे राइट अच्छा विलियम वर्सेस रॉफी ब्रोस था और इसके अंदर पूरी एक पेज की कहानी कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था. दैट आई थिंक इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, आल्सो अ वेस्ट ऑफ योर टाइम. यू जस्ट हैव 1 hour and 30 minutes, उसके अंदर आप सब कुछ नहीं कर सकते. यू नीड टू बी एफिशिएंट विद इट. दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग नहीं करते. यू हैव टू मैनेज योर टाइम.
आप केस का नाम लिखो, आप बताओ कि इसके अंदर जो टॉपिक था, फॉर एग्जांपल टॉपिक एक कंसिडरेशन नहीं थी, आप लिखो ये केस था, इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं थी, दैट्स इट, दैट्स इनफ. पॉइंट इज आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपने ये नहीं बताना कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये केसेस हैं, सभी कहानियाँ क्या थी. You just need your case to support you. Hmm. You do not need it to be the shining star of the answer. तो जो establish हुआ है उस केस में बस वो बताएं. That's it. More than enough. That's it. Either it's B1, 2, 3, 4. उसकी property नहीं, उसकी उम्र नहीं, उसका कुछ भी नहीं. Nothing. 1, 2, 3, 4. Yes. All papers the same. Absolutely. ठीक हो गया. हाँ. अगर आप लिख इस अंदाज में रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसको सपोर्ट करने के लिए, तो बता दें. Yeah, obviously. हाँ. This scenario based questions होते हैं. उसके अंदर आप कहते हो कि अच्छा ये incident हो रहा है. तो इस केस में अगर आपका कोई केस पता है उसके अंदर सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, तो कोरिलेटिंग दैट विल एक्चुअली मेक योर पॉइंट स्ट्रॉन्गर. वंस अगेन यू नीड टू यूज योर ब्रेन सेल्स एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. आपका दिमाग कहीं और आप आंसर कहीं और लिख रहे हो, यू कांट डू दैट. अच्छा नूरब, आप साइंसेस भी पढ़ ली हैं, आपने इंग्लिश भी पढ़ ली, लॉ भी पढ़ लिया, आगे अब आपने क्या परस्यू करना है? आई थिंक यू नो द आंसर दो. दे डोंट. या आई एम डूइंग एलएलबी. एलएलबी किस यूनिवर्सिटी से? BIC से. आई एम डूइंग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन LLB प्रोग्राम. सो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आप LLB को परस्यू करने लगे. डिड यू हैव एनी प्लान बिफोर यू ऑप्टेड द सब्जेक्ट ए लेवल से पहले? आई डिडंट. एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, मुझे ओ लेवल स्टैंड पे बस एक चीज पता थी कि मैं कुछ भी कर लूंगी मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी, एंड मोर पर्टिकुलरली मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी. ठीक है, दैट्स ऑल आई न्यू. ए लेवल शुरू करने से पहले आई डिडंट नो एनीथिंग, एंड दिस आई थिंक वंस अगेन पॉइंट्स टू द फैक्ट कि हमें लगता है कि अच्छा अगर इस बंदे के इतने ए स्टार्स और एज आ रहे हैं, क्योंकि 3 साल का था तब से मेरी लाइफ ट्रैजेक्टरी प्लान कर ली होगी. वंस अगेन आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज डूइंग हाफ द टाइम. ऐसा कुछ नहीं होता. वही बात है ना कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं हो, मेहनती स्टूडेंट हो, दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली. सो आई जस्ट न्यू कि अच्छा ठीक है लॉ है, कूल टीचर लग रहे हैं, पढ़ के देख लेते हैं. बहुत रेजिस्टेंस की, पढ़ लिया, ठीक है. अच्छा, मुझे आज पता चला कि मैं कूल लगता था. या बहुत कूल लगते थे. यू कैन आस्क नताली एज़ वेल. ओके, एनीवेज. सो अच्छा, एक और क्वेश्चन. इंग्लिश, लॉ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री. आप केमिस्ट्री में भी मास्टर्स कर सकते थे. yes. आगे आप बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में yeah. आप वहाँ जा सकते थे. आप इंग्लिश को परस्यू कर सकते थे, लॉ क्यों? Well, as I said before, हम फैक्टर आउट कर देते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बिकॉज एज अ सेट मुझे साइंस नहीं पढ़नी थी. बट इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स वेयर वी हैड बेटर अपॉर्चुनिटीज, आई वुड हैव लव्ड अ करियर इन बायोलॉजी. ठीक है. वंस अगेन इंग्लिश, आई थिंक आई लव द सब्जेक्ट, आई लव इट विद ऑल ऑफ माई हार्ट. आई नो दैट. बट वंस अगेन आई डिडंट वॉन्ट टू गो डाउन दैट पाथ. इट्स कंसिडर्ड वेरी ट्रेडिशनल एंड एक स्टीरियोटाइपिकल होता है चीज़ होती है कि अच्छा इंग्लिश है ठीक है कोई भी करे, कुछ मुश्किल नहीं है, बस क्या आ जाना. ये तो है. बट लॉ के अंदर आई एक्चुअली देर वॉज नॉट दिस वन, हमें लगता है कि कोई पॉइंट ऑफ रेवलेशन था वेर एवरी थिंग क्लिक्ड और सब कुछ ठीक हो गया और ये हो गया. वंस अगेन विद नॉर्मल पीपल ऐसा कुछ नहीं होता. समवेयर इन द मिडल आई जस्ट डिसाइडेड कि ओ ओके आई हैव अ गुड टीचर एंड देन ही टोल्ड अस अबाउट BIC एंड आई वाज लाइक यू नो दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड थिंग. एंड टू दिस स्टेट वेयर जब मैंने एडमिशन ले लिया, एवरी थिंग इज फाइनल, मैं LLB करने लगी हूँ, मैंने लॉ भी पढ़ लिया, आई स्टिल डोंट नो दैट आफ्टर 3 years what am I going to do with my LLB ki degree or what main bata dunga. Yeah, you don't worry about but that. Also when you think of it a little while back, mujhe O levels mein bhi nahi pata tha ki ek point aayega jab 2 saal baad main law science chhod dungi, law pad lungi, mera A star bhi aa jayega. Ha aise hi. To I think yahan pe factor aa jata that you need to believe in yourself and know ki acha you know once you're going down this one pathway, aapke sath jo bhi cheez hogi aage, jo bhi aapka end result niklega, it's your responsibility. आप किसी दूसरे के ऊपर इसका ब्लेम नहीं डाल सकते. यू नीड टू बी फुली अकाउंटेबल फॉर इट एंड इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ योरसेल्फ एंड पर्टिकुलर फॉर दोस पीपल हु आर बिल्डिंग देमसेल्व्स फ्रॉम स्क्रैच. आपके अबू का लॉ का चेंबर नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है आपका. फॉर पीपल लाइक दोस और पीपल लाइक मी, आप और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो एंड यू टेक एवरीथिंग वेरी केयरफुली. सो यू नीड बात वही है यार कि जो जिस चीज़ को सीरियस लेगा एक्सेल उसी चीज़ में करेगा. तो अगेन नूर, हम जब बैठते हैं तो टाइम को पता ही नहीं चलता. जूबिया के साथ जब मैंने पॉडकास्ट की थी तो इट वाज 18 मिनट्स और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. नाउ इट्स 40 प्लस मिनट्स हो गए हैं. वी हम 41 मिनट्स से बात कर रहे हैं और 45 मिनट्स का लेक्चर होता है. तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बात की ही नहीं है. अभी 10 मिनट ही हो गया. तो या इट्स आई डोंट नो व्हाई बट इट हैपेंस विद यू. बाकी थैंक यू वेरी मच आपके इस पॉडकास्ट से, आपकी इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स इवन
जो नए टीचर्स हैं वो भी देखते हैं और सुनते हैं पुराने स्टूडेंट्स को, कि वो सारी बातें, जब मैं फॉर एग्जांपल एक नया टीचर हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट को, मुझे परफॉर्म करना है वहाँ जाके, तो मुझे चाहिए कि मुझे कोई कंटेंट मिले यार, मुझे कोई हेल्प मिल जाए कहीं से. आई स्टिल रिमेंबर के बैक 11 ईयर्स अगो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग दिस सब्जेक्ट, तो मैं लिटरली दीवारों में टकरे मारता था कि मुझे कोई बंदा मेरी हेल्प कर दे. लॉ में मैं मास्टर्स था उस टाइम और एमफिल लेवल तक था, लेकिन ए लेवल्स का पेपर क्या है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, ये मुझे नहीं पता था. आई स्टिल रिमेंबर. और दो जो स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, दोज टू स्टूडेंट्स वर द वन ऑफ द मोस्ट शार्प स्टूडेंट्स ऑफ दैट कैंपस, एंड दे वर डिबेटर्स, एंड दे वर द राइज शाइनिंग स्टार्स, कि वो टीचर को उधेड़ के फेंक दें क्लास से बाहर अगर उनको एक दफ़ा भी फील हो गया ये बंदा टीचर सही नहीं है. आई नो कि मैंने उस सिनेरियो को कैसे टैकल किया, जब मुझे यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता था, गूगल पे कुछ नहीं मिलता था, किसी बड़े टीचर से मेरा कोई रबता नहीं था, बट बहुत धक्के खा के और बहुत ही मतलब, बट लकीली हुआ ये कि उन दो स्टूडेंट्स का बाहर जाने का प्लान बन गया और उन्होंने मिड वे में मेरी क्लासेस लेना छोड़ के वो बाहर चले गए. अच्छा, अब मैं फिर फ्री हो गया. पता चला कि उस कैंपस में कि जी लॉ भी हो रहा है ऑफ़र, तो मुझे एक स्टूडेंट मिली, उसको इंटरेस्ट था, उसने लॉ रख, शी वॉज द ओनली वन स्टूडेंट आई यूज टू टीच बैक देन, एंड माई फर्स्ट एवर ग्रेड वॉज बी, पहला. और मुझे नहीं पता कि वो फीलिंग क्या थी कि कैसे हो गया ये. अच्छा, उससे ये हुआ कि मुझे पता लगे कि अच्छा ऐसे करना है. ए टू गुजरा, आई थिंक इट वॉज इट रिमेन्ड अ बी और मे बी इट गॉट टू सी, आई डोंट नो, बिकॉज अब बहुत परसा हो गया. बट उससे नेक्स्ट स्टूडेंट जो मेरे पास आया वो शहरोज था. ही वॉज अगेन एन इकलौता स्टूडेंट एंड वी वर नॉट इवन असाइंड अ क्लास रूम. कभी पार्क में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी कैफे में बैठ के पढ़ रहे हैं. उनका एक एक स्टूडेंट है, उसका क्लास पूरी दें आपको. और जब उसका ए स्टार आया था ना शरोज का, दैट एक्चुअली गेव मी द किक कि अच्छा यार आई कैन डू दिस, आई कैन. क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, उसने बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और लॉ रखा हुआ था. अब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वहाँ जो पढ़ा रहे थे वो इतने मेरी एज नहीं थी जितना उनका एक्सपीरियंस था, वो थे, और मैं एक छोटा सा यंग सा नया टीचर लॉ पढ़ा रहा हूँ. तो एडमिन की उसके साथ मीटिंग हो रही थी, आई स्टिल रिमेंबर कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कहा था कि तुम्हारा लॉ के अलावा इनके इनके अंदर ए आ जाएगा, लॉ में शायद ही आए, हमें डाउट है, टीचर भी नया है और एक्सपीरियंस भी कोई नहीं, और लॉ में ग्रेड आता भी नहीं है, लॉ में ग्रेड नहीं आता, या ये जो मशहूर की हुई है बात. वो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं कैफे में खड़ा चाय पी रहा था और वो पीछे से भागा भागा आया. ही वॉज पेंटिंग, सर अली, सर अली. मैंने कहा क्या हुआ? वो सर हाथ पे हाथ मारा, सर हंस ही जा रहा है. वो मैंने कहा हुआ क्या है? कहता है मेरा रिजल्ट देखे. उसके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में बी सी बी थे और लॉ में ये था. और वो पेपर लेके सीधा गया उधर कि आप क्या कह रहे थे और ये क्या हुआ है? तब भी उन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक हुआ है, अभी ए टू रहता है. एंड उसने ए टू में भी ए स्टार ले लिया. उससे बहुत कॉन्फिडेंस मुझे मिला. और आप लोगों की दफ़ा भी मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि यू वर द फर्स्ट बैच ऑफ द न्यू सिलेबस. ना मेरे पास पास पेपर्स थे, ठीक है, नॉलेज था, सब कुछ था, बुक तो मैंने एक दिन में पढ़ ली थी, समझ आ गई थी मुझे कि क्या क्या करना है. मैंने वो स्लाइड्स भी बना ली थी, वो जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं. अब तो खैर वो स्लाइड्स होते हैं कहाँ कहाँ फिर रही हैं, वो मनी हाइस्ट वाली स्लाइड्स है, वो दूसरी, वो भी बना ली हुई थी मैंने. लेकिन फिर भी पता तो कुछ नहीं था कि क्या होना है आगे जाके, क्या पेपर है क्या. तो वो भी बड़ी बात है, हमारी सारी क्लास के बहुत अच्छे ग्रेड्स थे, मितालिया, ईमान, आप, बिस्मा, सब अच्छे थे, नवाल. तो उसका भी आपको क्रेडिट जाता है कि आप पहले बैच हो न्यू सिलेबस के विदाउट किसी पास पेपर. इसका मतलब है यू प्रूव कि पास पेपर के बगैर भी काम चल सकता है. मेरा एक्चुअली दिस इज अ पर्सनल फ्लॉ दैट आई एडमिट वंस अगेन शोइंग के कोई बहुत ही हरक्यूलियन चीज नहीं है. ओ लेवल्स में मे बिकॉज आई डोंट हैव लाइक एन एल्डर ब्रदर और सिस्टर, मुझे नहीं पता था ओ लेवल्स ए लेवल्स क्या होता है. अच्छा, तो मेरा जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था ना मिडिल स्कूल का कि अच्छा किताब पढ़ रही हूँ और उसी से एग्जाम आता है और वही हो जाएगा, मैंने अपने सी आईज भी वैसे ही दिए थे. अच्छा, मैंने पीएस का और इस्लामियात का एक पास ट्रिपन किया था जब एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी. वाह वाह, एंड आई जस्ट आई गॉट ए स्टार्स, आई गॉट एस एंड एवरीथिंग.
लेकिन आई थिंक प्रॉपरली मुझे जब पता लगा कि जो हम हमारी रूट होती है, एक अप्रोच होती है कि अच्छा पहले आप टॉपिकल्स करो, फिर आप ईडीज करो, फिर आप ये करो, फिर आप वो करो, वो एएस के मिड में आके मुझे पता लगा था. तब वो एक रियलाइजेशन हुई थी कि अच्छा सीआईज ऐसे देते हैं, ए लेवल्स ऐसे होता है. तो वंस अगेन उस वक्त मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, जो आपने भी बहुत डराया था यहाँ सिलेबस है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आई न्यू कि अच्छा पहले भी क्या हुआ है, पहले पता नहीं था, अब पता है. तो नॉलेज आई थिंक इस चीज़ की दैट जस्ट इंस्टिल्स फियर इन यू. तो हर चीज़ की नॉलेज भी अच्छी नहीं होती, बट इफ यू नो व्हाट टू डू विद दैट नॉलेज एंड वर्क अराउंड इट, देन ऑब्वियसली हो जाता है. टू मच नॉलेज भी अच्छी नहीं होती. हाँ, वो भी अच्छी होती. हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए. नोट 47 मिनट्स हो गए, तो मेरा ख्याल हम नहीं रुक रहे, और लोगों ने फिर हमें गालियाँ निकालनी है कि इतना अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा लोगों का, तो इसलिए इसका बेहतर है कि हम उसको ख़त्म करें. थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग, पहली बात तो फॉर गिविंग मी द टाइम, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग द टीचर्स हु आर एक्सप्लोरिंग. और आपकी जो ये पॉडकास्ट है, ये टीचर ग्रुप्स में जानी है, स्टूडेंट ग्रुप्स में जानी है. यू हैव बीन हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आपके सैम्पल आंसर्स, यू आर स्टिल हेल्पिंग, एंड इवन आफ्टर यू स्टॉप डूइंग ऑल दिस, आप आगे यूनिवर्सिटी में जाके, मे बी हम यूनिवर्सिटी की भी कोई पॉडकास्ट रख लें, आपका एक्सपीरियंस अबाउट LLB, यू नेवर नो. तो यू विल बी कंटिन्यूली हेल्पिंग देम ना चाहते हुए भी. वो पैसिव इनकम नहीं होती जो आती रहती है, तो आपको वो पैसिव स्वभाव मिलता जा रहा है जितने स्टूडेंट्स की हेल्प होती जा रही है. तो थैंक यू वेरी मच नूर. अगर इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग, एनी थिंग, कोई गुड लक ही दे दो स्टूडेंट्स को. या ऑफ कोर्स गुड लक, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समबडी विशिंग यू गुड लक एंड हैव समबडी सपोर्टिंग यू, पर्टिकुलरली फॉर अ सब्जेक्ट लाइक दिस व्हिच एज यू सेड बहुत स्टीरियोटाइपिकली डीफेम्ड है. हां जी, लेकिन वंस अगेन एज आई सेड, यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, एंड इफ यू डू दीज टू थिंग्स, फिर क्वेश्चन पेपर में जो भी लिखा होना, विद इन दोज 90 मिनट्स यू विल बी एबल टू डू इट. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड से यार दिस इज द लास्ट शॉट, आई हैव टू डू दिस, दैट्स इट. बाकी या एज यू सेड गुड लक, एंड इट वॉज एन ऑनर टू बी टॉट बाई यू. इट्स एन ऑनर टू टीच यू एक्चुअली. थैंक यू फॉर बींग माई स्टूडेंट एज वेल. थैंक यू फॉर मेकिंग मी प्राउड. ये इट्स ऑलवेज टू वे. इसमें सिर्फ टीचर कुछ नहीं कर सकता. अगर सिर्फ टीचर ही कर सकता होता तो मेरे सारे ए स्टार ही होते. सो इट्स ऑलवेज टू वेज. थैंक यू सो मच नूर. तो वी मे सी ईच अदर इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.